अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आविदा इदरीसी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद आविदा। और आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन कटलेट। इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन 250 ग्राम। और ये कुटी हुई 4-5 हरी मिर्च है, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है 1 शिमला मिर्च, और ये है धनिया पत्ती, और ये पत्ता गोभी है, 4 उबले हुए आलू है, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, और नमक स्वाद अनुसार। और कोटिंग के लिए हम लिए हैं 2 अंडे और कच्ची सेवई और तेल और 1/2 कप से भी कम पानी। चलिए आगे बनाते। अब हम एक पैन ले लिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस, थोड़ा चिकन के पीसेस। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम इसमें डाल देंगे, और ये कुटी हुई काली मिर्च, ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे, और नमक थोड़ा सा डालेंगे, और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें वैसे तो ये गल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब इसको हम कम से कम 5 मिनट तक इसको नरम होने तक रख देंगे मीडियम आंच पे, और अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट हो चुके, इसको देख लेते हैं अभी हुआ कि नहीं। अभी नहीं हुआ है, अब इसको हम ढक के 3 मिनट और पका देते हैं। रुक जाओ। चलिए अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। अब ये सूख चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और फिर इसको उतार लेंगे। अब हमने चिकन को ऐसे उसके रेसे निकाल लिए हैं, चिकन के रेसे। अब इसमें हम डालेंगे एक बाउल में इसको, फिर अब ये जो उबले हुए आलू थे, आलू हम इसमें डाल देंगे, और ये पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को भी हम डाल देंगे पूरा 1 प्याला। ये है कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्ची, शिमला मिर्ची को भी हम पूरा डाल देंगे इसमें। और ये है गरम मसाला, ये पूरा 1/2 चम्मच था हम डाल देंगे। और ये है काली मिर्च का पाउडर, ये भी हम थोड़ा सा बचा के रखे थे, वो भी डाल देंगे, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा डाल लो। और ये है धनिया पत्ती, इसको भी हम पूरा डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। ये हमने पूरे सामान को मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे बनाएंगे कटलेट। छोटे छोटे पेड़े लेंगे, इसको ऐसे हाथ पे रखेंगे, अगर आपको ज्यादा छोटा लगे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे लंबा आकार देंगे। ये हम दूसरा बना ले रहे हैं। आप चाहे तो हाथ में तेल भी लगा सकते हैं, या ऐसे भी छूट जाएगा, चिपकेगा नहीं हाथ में। इस तरह हम सारे कटलेट तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारे कटलेट तैयार कर लिए। अब इसको हम साइड में करते हैं। और अब ये जो 2 अंडे लिए हम, इसको हम तोड़ लेंगे।
दोनों अंडों को तोड़ लिया, फेंट लेंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब एक एक कटलेट को हम पहले इसमें डीप करेंगे, और ये जो सेवई है हम इसमें कोट करेंगे। ये दोनों इसी तरह कोट कर लेंगे, खूब अच्छी तरह से सेवई में लगा देंगे। फिर उसके बाद इसी तरह हम सारे कटलेट को तैयार कर लेंगे। देखिए सारे कटलेट हमने तैयार करके रख लिए, और अब हम इसको डीप फ्राई करने के लिए रेडी हैं। चलिए, ये हमने गैस ऑन कर दिया, पैन रख दिया। अब इसमें हम तेल डालेंगे। इतना तेल डालें ताकि अच्छी तरह डीप फ्राई हो जाए। अब थोड़ा तेल गर्म हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें कटलेट एक एक करके डालना शुरू करेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके कटलेट डालेंगे। ये अब हम एक एक करके कटलेट डाल देंगे इसमें, और इसको सुनहरा लाल होने तक इसको पलट के बनाते रहेंगे। देखिए ये हमने 5-6 डाल दिए, ज्यादा डालेंगे तो टूट जाएगा, इसीलिए हम ये डाल दिए। अभी थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा, फिर इसको पलटेंगे। और आप देखिए घर पे बनाइए इसको, देखिए कितना इजी है, कितना अच्छा है, बना के देखिए कितना टेस्टी है रशियन कटलेट। अब हम इसको पलट लेते हैं धीरे धीरे। देखिए हल्का हल्का गोल्डन होने लगा। ये कटलेट देखिए हमने एक तरफ से इसको पलट लिया, अब इसको सुनहरा होने तक इसको इसी तरह बनाते रहेंगे। अब अगर ज्यादा डालते हैं इसमें तो ये फिर टूटने का डर रहता है। अब देखिए हम इधर से भी इसको पलट ले रहे हैं। अब ये देखिए कटलेट एकदम तैयार हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए देखिए कितना मस्त कटलेट तैयार हुआ है, रशियन कटलेट। अब इस तरह हम सारे निकाल लेते हैं। हमने सारे कटलेट निकाल लिए, और अब जितना बचा हुआ है उसको हम फिर से फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, फिर पूरा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे कटलेट बना लिए। अब देखिए हमने सारे को डीप फ्राई कर लिया, अब इसको हम निकाल देंगे एक एक करके। देखिए सारे हम निकाल दे रहे हैं। ये देखिए मेरा तैयार हो गया रशियन कबाब, रशियन कटलेट, इसको कबाब भी बोल सकते हैं। और अब मैं कल मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खाइए और घर पे बनाइए, एंजॉय करिए। और अगर ये मेरी पहली वीडियो, अगर कोई भी गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको जो भी डिश खाने का मन हो फिर बताइए, मैं वैसा बनाती हूँ आपके लिए। और इसको अगर पसंद आए, खाइए बनाइए पसंद आए, फिर मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।